हेलो एवरीवन यस बच्चों कैसे हो सब लोग यस 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 बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है इस बाबा की दरबार में चलिए चलिए आज मिले हैं हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में ओके okay, जी बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में कॉमन टू तो ऑल ब्रांचेस कॉमन टू तो ऑल यूनिवर्सिटीज चैप्टर का नाम ए सर्किट्स चैप्टर का नाम है बिल्कुल एसी सर्किट्स मैं हूं सौरभ दिवतर आपका और सिर्फ आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल वेंटर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं चलिए चलिए आज है सेशन नंबर वन आज एसी सर्किट का पूरा इंट्रोडक्शन कर दूंगा क्या होता है एसी सर्किट क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर ये सब कुछ आज, आज आपको पढ़ने मिलेगा ओके जी चलिए चलिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले आगे बढ़ने से पहले सभी को गुजारिश है कि फटाफट से सेशन को लाइक करो यार आपका एक एक लाइक मेरे लिए और मेरी पूरी टीम के लिए बहुत मायने रखता है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है एंड शेयर करिए अभी तक अगर आपने आपके कॉलेज के ग्रुप में नहीं डाला है तो फटाफट से डालिए ज़रूर सेंड कीजिए कॉलेज वाले फ्रेंड्स को ताकि ए सर्किट जैसा बड़ा टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक किसी की हाथ से किसी की जिंदगी से ऐसे ही गुजर ना जावे राइट जी एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ओके जी तो आज शुरू करने से पहले सबको सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ बिकॉज टूडे वी हैव रीच्ड अप टू द मार्क 2000 सब्सक्राइबर्स है ना टू के सब्सक्राइबर्स आज अपने कंप्लीट हो चुके हैं जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू अपनी फैमिली बड़ी होती जा रही है जनाब अपनी फैमिली बड़ी होती जा रही है ओके okay जी बिल्कुल राहुल जी पूछ रहे सर ये चैप्टर बड़ा है क्या बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है डीसी जितना ही बड़ा है डीसी जितना ही इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट भर भर के इसमें पड़े हैं है ना डीसी में कैसा था बहुत सॉर्टेड था बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड था कि यार डीसी में तेवीनियंस नोटन नोडल मेज एनालिसिस ये सब कुछ कर लो सॉर्टेड हो जाएगा इसमें ऐसा नहीं है अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अपने को इसको पढ़ना पड़ेगा ओके okay, बिल्कुल 2.03 के है सर यस 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 बिल्कुल बिल्कुल बट 2 के का मार्क वी हैव रीच्ड जब शुरू किया था तब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था नंबर्स डजन मैटर यही सोच के आज भी हम लोग चल रहे हैं आगे लेकिन यार आपका ढेर सारा प्यार मिलते जा रहा है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओके okay, जी चलो तो इस एसी सर्किट के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसका थोड़ा जानकारी लेते हैं और एसी सर्किट क्या है इसका इंट्रो में आज आपको देने वाला हूं ओके देखो यार करंट जो है है ना करंट जो है वो दो महीने में फ्लो होता है है ना करंट कैन बी फ्लो इन टू वेज इन टू वेज ओके जी यस 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 बिल्कुल बिल्कुल आज सेवन है एक दिन में सात हजार होंगे बिल्कुल बिल्कुल यार थैंक यू सो मच सूरज जी सायराज जी सायराज जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यस करंट जो है वो दो इसमें फ्लो होता है देखो ये तो अपने को जरूर पता है इनफैक्ट ये हम लोग ने नेवंथ स्टैंडर्ड और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जरूर देखा डाटर डीसी सर्किट्स एंड ए सी सर्किट अब ये दो इसमें फ्लो क्यों होता है फ्लो क्यों होता है देखो कॉम्पोनेंट्स की बात अलग अलग होती है यार कुछ होते हैं एक्टिव कॉम्पोनेंट्स कुछ होते हैं पैसिव कॉम्पोनेट्स

चलिए तो डीसी में क्या होता है रजिस्टर्स एंड बैटरी एसी में क्या होता है रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर आता है कैपेसिटर आता है तो दिस एसी सी सर्किट देखो कैपेसिटर आ गया मतलब वहां पे फ्रीक्वेंसी आ गई कैपेसिटर आ गया मतलब वहां पे क्या आ गई फ्रीक्वेंसी आ गई अच्छा दर्शन जी कह रहे हैं सर इंजीनियरिंग फिजिक्स का प्रोजेक्ट का क्या करूँ येस दर्शन जी मैंने आपका मैसेज पढ़ा मैं ज़रूर आपको रिप्लाई देता हूँ जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा आई विल गेट बैक टू यू डोंट वरी डोंट वरी मैं बता दूंगा आपको ठीक है जी तो देखिए रजिस्टर इंडक्टर एंड कपैसिटर कपैसिटर आ गया तो वहां पर क्या होता है फ्रीक्वेंसी आता है फ्रीक्वेंसी आता है तो वहां पे सर्किट को क्या किया जाता है ट्यून किया जाता है ट्यून करना मतलब समझते हो यू कैन जस्ट वैरी इट राइट यू कैन जस्ट वैरी इट ओके चलो 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 तो डीसी में क्या होता है डीसी में डायरेक्ट करंट है ना डीसी में क्या होता है डायरेक्ट करंट डायरेक्ट करंट मतलब एक वेवलेंथ में ही वो जाएगा एक ही फ्रीक्वेंसी में जाएगा कितनी फ्रीक्वेंसी एक ही फ्रीक्वेंसी में जाएगा समझ रहे हो तो और ए सी में क्या होता है इट यूजली फ्लोज यूजुअली फ्लोज इन अ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इट यूजुअली फ्लोज इन अ साइनोसोइडल वेव फॉर्म ओके जी और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ ए सी सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूजअली फिफ्टी हर्ट्स होती है फिफ्टी ऑर्ड्स तो इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं चलते रहते आपके हैं आपके घर है. पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑल आर वर्किंग ऑन ए सी ऑल आर वर्किंग ऑन ए सी रिवेटिंग माई पॉइंट यार अगर ए सी नहीं होते वो सारे तो आप फ़ैन को कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप लाइट की इंटेंसिटी को कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप स्पीकर एम्पलीफायर जो इसका वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये सारी चीज़ें आप टीवी के चैनल नहीं चेंज कर सकते थे आप सर्फिंग नहीं कर सकते थे आपका इंटरनेट मॉडर्म नहीं चल सकता तो ये सारी चीज़ें ए के ऊपर ही चलती है और किसी के ऊपर नहीं समझ तो रहे हो इसलिए इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस एसी सर्किट चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट तो इस एसी के दौरान हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का एक थोड़ा इनसाइट व्यू आपको दे दूँ इनसाइट मतलब अंदर क्या क्या है ठीक है जी तो देखिए एसी सर्किट में एसी सर्किट में सबसे पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है सबसे पहले आपको पढ़ना है एवरेज वैल्यू एवरेज वैल्यू ऑफ द सर्किट राइट एंड उसके साथ साथ आर एम एस वैल्यू आर एम एस वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको मैं यूज़ुअली कह, कहता हूँ वेव्स वाले सम्स है ना मेरा मतलब बोलने का तरीका अलग है तो इसको क्या कहता हूँ वेव्स वाले सम्स क्या कहता हूँ वेव्स वाले सम्स ओके okay, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ ताकि बाकी मेरी हिंदी खराब हैंड राइटिंग है यार थोड़ी समझ लीजिए पेव्ज़ वाले सम्स ओके okay? ये ये कंपलसरी आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो ना तो समझ जाओ कि इसके ऊपर पाँच मार्क का सवाल आने ही वाला है लिख के लेना मेरे से लिख के लेना पाँच मार्क का सवाल वेव्स वाले सम के ऊपर आता ही आता है कोई भी ईयर का कोई भी के टी का पेपर रहने दो ओके okay? जी ओके okay? तो बिल्कुल वेव्स वाले सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड चीज़ दैट यू हैव टू स्टडी इज़ प्योर रजिस्टर सर्किट प्योर आर सर्किट ठीक है उसके साथ साथ यू हैव टू डू प्योर एल सर्किट प्योर एल सर्किट प्योर इंडक्टर सर्किट आफ्टर दैट यू हैकिट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्योर सी सर्किट ओके दैट इज कपैसेटर सर्किट तो इन तीनों का सर्किट डाइग्राम उसका फॉर्मूला देखना बहुत जरूरी है एंड इसका स्पेशल चीज जो तो आप इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हो दैट इज कॉल्ड एज एन फेजर डायग्राम फेजर डायग्राम अभी बहुत लोग को प्रॉब्लम क्या होता है सर फेज क्या होता है यही नहीं पता है ना मतलब कॉलेज में आप सुना रहेगा ये वर्ड कि हाँ फेज ये एक फेज हो गया दो फेज हो गया इनफैक्ट अपन घर पे बोलते हैं अरे फेज चला गया है ना ये ऐसे यूजुअल वर्ड्स लेकिन ये फेज एग्जैक्टली exactly है क्या ये अपने को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है तो फीजर डायग्राम ये अपने को प्योर रेजिस्टर प्योर इंडक्टर प्योर कैपेसिटर सर्किट्स में पढ़ना पड़ेगा ओके okay जी चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे प्योर आर प्योर एल प्योर सी सर्किट आफ्टर दैट यू हैव टू स्टडी अबाउट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज चोक कॉइल चोक कॉइल सर्किट अब व्हाट डू यू मीन बाय चोक कॉइल हाँ सुन के थोड़ा हैरानी होगी चोक कॉइल इज नथिंग बट रजिस्टर के साथ साथ इंडक्टर सीरीज़ में जॉइन हो जाता है उसको कहते हैं चोक क्वल आर एल सर्किट इसको आप आर एल सर्किट भी बोलते हो यूजुअली ओके यस 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 यहाँ पे निहाल जी कह रहे सर आप मुंबई में कहाँ से हो मैं लोगों के दिल में हूँ यार है ना मुंबई पुणे नागपुर सब जगह पे हो लोगों के दिलों में हूँ ओके okay, मुंबई में कहाँ से हूँ तो यार थाने के आसपास है तो वहाँ रहता हूँ मैं यार ओके okay, जी चलो 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 अविनाश जी कह रहे हेलो सर जी पी एस जी कह रहे कॉन्ग्रेचुलेशन्स यो यो सर टू के सब्सक्राइबर थैंक यू सो मच पी एस जी थैंक यू सो मच सराज जी कह रहे सर बी डब्ल सेम टू में नहीं रहेगा ना बी डब्ल सेम टू में नहीं रहेगा लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो तो बी डब्ल ई आपका ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है इवन इफ आप सी एस और आई टी ब्रांच से हो तो भी एक सब्जेक्ट आपको आने ही वाला है सेम थ्री में सेम थ्री में एंड अगर आप मैकेनिकल ब्रांच में हो तो मैकेट्रॉनिक्स नाम का सब्जेक्ट आएगा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का सब्जेक्ट आएगा तो यार जहाँ पे मशीन आ गई वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आना ही आना है और वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया वहाँ पे एसी सर्किट आना ही आना है तो बिल्कुल यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है छोड़ना नहीं है ओके जी राहुल जी कह रहे सर डोम्बिवली राहुल जी यार आपने तो सही गैस मार दिया इतना ही मैं कह सकता हूँ ओके जी सर जी टेक्सटाइल ब्रांच कैसा है वी का यार नाम में ही सब कुछ नाम में ही जिसका झलकता है काम वही है वी का नाम ओके okay, तो वी में आप यार बिल्कुल आप कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है इफ़ यू वांट टू चेंज द ब्रांच यू कैन चेंज इन द सेकंड ईयर ओके विद अ गुड स्कोर विद अ गुड स्कोर इन द फर्स्ट ईयर ओके सो प्लीज़ टेक इन द कंसिडरेशन ओके चलो गुड गोइंग टू द चैप्टर चोक कॉइल सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आने वाला है उसके बाद आती है फेजर डायग्राम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स की है ना एंड उसके बाद आता है रेजोनेंस 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 फिर इसके अंदर आता है सीरीज एंड पैरल रेजोनेंस सीरीज एंड पैरल रेजोनेंस ओके जी सीरीज एंड पैरल रेजोनेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं ये चैप्टर बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा सेशंस इसके होंगे और आपको फ़ायदा होगा ऐसे ही सेशंस में लेने वाला हूँ तो प्लीज़ बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस चैप्टर बिल्कुल एक भी सेशन मिस नहीं करना है मैं कोशिश यही करूँगा कि एक तो शाम को या फिर रात को लेक्चर रखा जाए बी का सुबह में नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग सुबह उठने से रहे है ना रहे बिस्तर में ही बाबा जी की आवाज़ सुनोगे ओके अच्छा लग रहा है लोरी गा रहे हो गाओ हम लोग सोते ऐसा होगा उससे बेहतर है कि मैं इसको मॉर्निंग ना लूँ इसको इवनिंग या फिर रात को ऐसे ही कंडक्ट कर लूँ ताकि फ़ायदा आप ही का हो ओके यस अविनाश जी कह रहे सर एसी सर्किट अभी चालू होगा येस आज इंट्रोडक्शन हो रहा है अविनाश जी आज ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ तो टेंशन मत लीजिए ओके तो चलो एसी सर्किट्स को थोड़ा और डीपली मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा और डीपली मैं बताना चाहता हूँ इट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स ओके ए सी सर्किट्स मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ ये तो मैंने क्या बताया चैप्टर के अंदर के जो मॉड्यूल्स है चैप्टर के अंदर के जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने बताए ठीक है थीके? अब इसके अंदर है ना एसी फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स देखो ये जो मैं लिख रहा हूं ये ऑब्वियसली आपके काम का है आप जरूर इसको लिखिए जरूर इसको लिखिए ओके एंड नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज सीरीज सर्किट्स सर्किट्स ये पढ़ना है अपने को ये पढ़ना है ओके okay? तो एसी फंडामेंटल्स में क्या क्या आने वाला है आर आने वाला है एल अलग से आने वाला है सी अलग से आने वाला है मतलब यू हैव टू लर्न अबाउट द फंडामेंटल्स कि प्योर आर सर्किट प्योर एल सर्किट प्योर सी सर्किट क्या होता है उसकी फेज़र डायग्राम कैसे आती है ये सब कुछ हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है सीरीज सर्किट में जैसे मैंने कहा कि यार आर एल सर्किट एक होता है दूसरा होता है आर सी सर्किट और तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज आर एल और सी आर एल सी सर्किट ठीक है तो काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम इस सीरी सर्किट्स में ही आते हैं क्योंकि फॉर्मूला समझ में नहीं आता लेकिन ये बाबा जी का काम ऐसा रहेगा कि आप जिंदगी भर नाम निकालोगे वे हाय हाय बाबा जी का काम ऐसा रहेगा कि आप जिंदगी भर नाम निकालोगे पूरे फॉर्मूले के डेरिवेशन के साथ सब कुछ बताऊंगा कभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा पूरे चैप्टर के दौरान यार आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है बस एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए बस एक चीज़ मुझे आपसे चाहिए कि यार आप कभी भी ए सी सर्किट का लेक्चर बैठो तो मुझे कैलसी आपके साथ चाहिए विदाउट कैलसी कैलकुलेशन नहीं होने वाला है मैं क्या कह रहा हूँ विदाउट कैल कैलसी कैलकुलेशंस नहीं होने वाला है ओके जी सर आप कौन से बुक रेफर करते हो जनाब तो तीन चार बुक है मेरे पास तो मैं एक तो पहले टाटा माइग्रोइल का रवीश सिंह ऑथर है उनका बुक रेफर करता हूँ काफ़ी अच्छा बुक है उसके बाद बी आर पाटिल सर का बुक है वो रेफ़र करता हूँ उसके बाद टेक्नियो पब्लिकेशन का बुक है वो रेफ़र करता हूँ टेकमैक्स पब्लिकेशन का बुक है वो भी रेफर करता हूँ तो ये सब कुछ मिला के फिर हम लोग उसके ऊपर छानबीन करते हैं और अच्छे अच्छे सम्स निकाल के आपके सामने पेश करते हैं ओके जी चलिए ऑन विच बेसिस वैकेंसी रहती है ऑन विच बेसिस बेसिस तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यार पहले तो आपका पॉइंटर्स कितना आ रहा है चार साल का उसका एवरेज इसके ऊपर अपने को प्लेसमेंट्स मिलती है दूसरा क्राइटेरिया कि यार वो कंपनी आपसे क्या चाहती है आप कंपनी से क्या चाहते हो वो कंपनी को, को कोई लेना देना नहीं है कंपनी आपसे क्या चाहती है वो बहुत मायने रखता है सपोज फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर ब्रांच की वैकेंसी और वो कंपनी चाहती है कि यार मुझे पाइथन के लिए बंदा लेना है और आप जावा वहाँ पे सीख के जाओगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है कंपनी आपको नहीं लेगी क्योंकि कंपनी आपको क्यों सिखाएगी है ना फ्री में क्यों सिखाएगी आपको पाइथन आपको सिखाएगी आपको डेवलप करेगी और फिर बाद में आपको काम पर रखेगी नहीं उससे अच्छा और दस बंदे पड़े पाइथन वाले तो डायरेक्टली उनको हायर कर लेंगे तो आपका टेक्निकल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबसे पहले आपका पॉइंटर आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो बहुत भारी भरकम होना चाहिए तब जाके असली मज़ा आता है मेरे कैंपस का भी एक मैं आपको सिनारी बता दूंगा लेकिन वो कभी क्यू एन ए सेशन में बताऊंगा फिलहाल एसी सर्किट के अंदर नहीं ओके जी चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो अभी इस इस सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ यार मैं इस सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू राइट डाउन द इक्वेशन विच इक्वेशन आई जस्ट वॉन्ट टू राइट डाउन आई जस्ट वॉन्ट टू राइट डाउन द एसी सर्किट का बेसिक करंट फ्लोइंग थ्रू वाला इक्वेशन ओके बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट था आज मैं थोड़ा स्टार्ट कर रहा हूँ ज्यादा ज़्यादा नहीं बताने वाला टेंशन मत लो इक्वेशन ऑफ साइनोसॉइडल साइनोसॉइडल ओके साइनोसॉइडल ए सी पे फॉर्म पेव फॉम ओके तो क्या रहेगा इक्वेशन ऑफ साइनस एसी ए सी वेव फॉर्म दैट इज आई इज इक्वल टू आई एम साइन टीटा आई एम साइन टीटा वॉट इज दिस आई एम मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वॉट डज दिस साइन टीटा रिप्रेजेंट्स एट दिस साइन टीटा रिप्रेजेंट एज क्या रिप्रेजेंट करता है ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंट करता है कि यार वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो ए सी है वो जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है ए सी है ओके जी चलिए मैं बढ़ रहा हूँ आगे मैं बढ़ रहा हूँ आगे थोड़ा ध्यान दीजिए अब मैं अब मैं एवरेज वैल्यू निकालना चाहता हूँ ओके एवरेज आज एवरेज वैल्यू बताऊंगा आरएमएस वैल्यू नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ एवरेज क्योंकि यार सेशन का नाम मैंने इंट्रोडक्शन रखा है ठीक है तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं घुसूंगा नेक्स्ट सेशन का नाम मेरा रहेगा एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू तो उसमें ज़्यादा डीपली बताऊंगा तो फिलहाल मैं सिर्फ एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसोइडल वेव इतना ही बता देता हूँ ओके जी बताने में कोई अर्ज नहीं है बट सीन ऐसा है कि यार लोग है ना हमने देख के चैप्टर को स्टडी करते हैं तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कोई बच्चे का मिस हो जावे ठीक है जी तो चलिए ये yes, शुभम जी हेलो हाउ आर यू ये शुभम जी बिल्कुल 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म अभी सिंपल सा एक फॉर्मूला है एवरेज वैल्यू देखो एवरेज मतलब क्या एवरेज मतलब मीन जैसे अपन एग्जाम में एवरेज निकालते हैं ना वैसे साइनोसॉइडल वेव फॉर्म वेव फॉर्म का भी मुझे क्या करना है एवरेज निकालना है ठीक है जी कैसे निकालेंगे देखो एरिया एरिया ऑफ हाफ हाफ साइकल एरिया ऑफ हाफ साइकिल वॉट इज हाफ साइकल आई टेल यू डोंट वरी बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकल बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकल बेस लेंथ ऑफ हाफ साइकल ओके अब वॉट इज दस वॉट इज दस फॉर्मुला स्टैंड फॉर देखिए आई आई एम जस्ट ड्रॉइंग वन साइकिल ओवर इयर साइकल मतलब साइनोसोइडल वेव फॉर्म क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं साइनोसॉइडल वेब फॉर्म अब इस वेब फॉर्म के दौरान मैं काम करता हूँ इसको मैंने ऐसे शेड किया सो दिसकल इज कॉल्ड एज अ हाफ साइकिल दिसडेड साइकिल इज कॉल्ड एज अ हाफ साइकिल तो ऊपर वाला जो होता है ऑब्वियसली पॉजिटिव हाफ साइकिल कहा जाता है जो नीचे वाला होता है उसे नेगेटिव हाफ साइकिल कहा जाता है क्या कह रहा हूँ मैं जो ऊपर वाला होता है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो नीचे वाला होता है वो नेगेटिव हाफ साइकिल राइट जी चलिए चलिए तो इसका जो डेरिवेशन पार्ट है दैट वी कैन सी इन द सेशन नंबर टू बट फिलहाल मैं इस डायग्राम को कंप्लीट करता हूँ यहाँ तक आप इस मतलब क्या बोलते हैं ना सेशन को रखिए अपने पास नोटबुक में ज़रूर लिख के लीजिए देखो ज़ीरो टू पाई यहाँ पे है तो ये एक फेज़ हो गया ये एक क्या हो गया फेज़ हो गया इसके बाद क्या हो गई देखो फेज चेंज हो गई अब मेरे ख्याल से थोड़ा, थोड़ा 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 फेस क्या होता है वो आपको पल्ले पड़ेगा फेज मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल दूसरा फेज मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल राइट पॉजिटिव ऑफ साइकल एंड नेगेटिव साइकिल राइट जी ओके अब इसका लेंथ कितना है चेक करियो इसका लेंथ कितना है हाँ जी हाँ इसका लेंथ यहाँ तक है वन साइकिल एक साइकिल हो गई ना ये इसके बाद ये रिपीटेड होने वाली है देखो रिपीटेड साइकिल इस तरीके की दिखती है यार बहुत सारे वेव फॉर्म्स दिखेंगे आपको ये रिपीटेड हो गई इनफैक्ट आपके घर पे जो भी चल रहा है वो सारी रिपीटेटिव साइकिल्स ही है मैं दिखाने के लिए उसको प्रूव करने के लिए एक साइकिल दिखाया है बाकी कुछ भी नहीं एनी डाउट एनी कन्फ्यूजन तो चलिए इसको ज़्यादा डीपली मैं फ़िलहाल के इस सेशन में नहीं घुसता हूँ तो कल के बारे में मैं आज आपको बता देता हूँ एंड देन वी विल स्टॉप दिस सेशन बिकॉज ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आज मैं छोटा सेशन लेने वाला हूँ मैंने पहले ही कहा कल का सेशन बढ़ा लेंगे कम ऑन बढ़ा लेंगे ठीक है जी तो सॉरी 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 टूडे नहीं जी खत्म हो गया टूमोरो ओके टूमारो क्या क्या होने वाला है कल क्या क्या होगा कल इवनिंग आठ बजे पी डबल ई का सेशन नंबर टू होगा ए सी सर्किट्स ए सी सर्किट्स का सेशन नंबर टू कल आठ बजे शाम को कंडक्ट होगा सभी बच्चे मुझे चाहिए मतलब चाहिए क्योंकि एक बार अगर एवरेज वैल्यू एंड आर एम एस वैल्यू आपके हाथ से छूट गया तो सेशन नंबर थ्री और सेशन नंबर फोर आपको कुछ भी नहीं समझेगा बिलीव मी कुछ भी नहीं समझेगा क्योंकि यार मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा एंड मेरे साथ साथ अगर दिन ब दिन दिन ब दिन एक एक टॉपिक कंप्लीट करना है तो हर दिन लाइव लेक्चर में आइए ऐसा बिल्कुल मत करिए कि मैं कल देख लूँगा परसों देख लूँगा वो ज़्यादा लोड बनता है क्योंकि अपने दिन में दो दो सेशंस होते हैं आप क्या क्या देखोगे तो बेहतर है आठ बजे एक बार आइए और रात को ग्यारह बजे आप आइए ही आइए क्योंकि कल रात को ग्यारह बजे होगा मैथ्स वन का सेशन मेट्राइसिस को कंटिन्यू करेंगे कल मेट्राइसिस को कल कंटिन्यू करेंगे ओके जी तो बिल्कुल दोनों सेशन में आपको आना है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है सर इसी सर्किट में इंटीग्रेशन यूज़ करना है बिल्कुल इंटीग्रेशन यूज़ करना है कल के ही सेशन में अपने को डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा उसके सिवा मैं आगे जा ही नहीं पाऊँगा ठीक है दीपक जी कह रहे सर आज का लेक्चर फिर से रिवाइज़ करना ज़रूर ज़रूर कल मैं रिवाइज़ करूंगा लेकिन आप कल के लेक्चर के लिए आने के लिए आप पहले आज का लेक्चर ज़रूर रिवाइज करके आइए ऐसे ही मत आना रिवाइज करके आना ओके जी ओके तो कोशिश तो पूरी रहेगी इस वीक में पार्शल डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा एंड सक्सेसिव शुरुआत हो जाएगा तो फटाफट से मैं एक ही कहूँगा कि अपने फ्रेंड्स लोग में ज़रूर इसको सर्कुलेट कीजिए लाइक like करिए अपने सारे वीडियोस को जैसे जैसे आप देख रहे हो हर दिन लाइक like करते रहिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना आप भी करिए और अपने फ्रेंड्स लोग को भी कहिए एंड जाते जाते आज के लिए स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिस्पॉन्स थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट लव टूअर्ड्स आवर फैमिली टूअर्ड्स आवर चैनल चैनल इज़ आवर फैमिली एक्चुअली है ना अपन अपनी फैमिली बढ़ते जा रही है तो जरूर ऐसे ही प्यार बनाते रहिए हर दिन लेक्चर को आते रहिए एंड आज के लिए इतना ही काफी है यहाँ पे ही रुकता हूँ कल का सेशन थोड़ा बढ़ा लेंगे क्योंकि ए सर्किट्स को अपने को आगे बढ़ाना है ठीक है जी तो थैंक यू सो मच बाय टेक केयर थैंक यू सो मच गाइस